पैनिक बटन का काम क्या था कि कोई आपदा आती है, कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो पैनिक बटन दबेगा डीटीसी बस में भी और टैक्सी में भी, और इमीडिएट उस पैनिक बटन पे दिल्ली सरकार का कंट्रोल रूम कार्रवाई करेगा और मदद के लिए पहुंचेगा। और हम बार बार कह रहे थे कि ये पैनिक बटन नहीं है, ये सिर्फ सफ़ेद हाथी है, एक प्लास्टिक का बटन है जिसके नाम पे घोटाला किया गया है। जांच के दौरान ये भी पाया गया, जिस बात को हम बार बार कहते भी रहे, हमने प्रदेश कार्यालय में भी टैक्सी खड़ी की, हमने नेता प्रतिपक्ष के आवास के बाहर एक बार टैक्सियां खड़ी की, कॉल करके बुलाया, मीडिया के मित्रों को दिखाया, बटन दबा के दिखाया कि पैनिक बटन का दबाने का उसके बाद कोई सहायता नहीं आती, तो जांच में ये बात पाई गई है कि आज तक एक भी रिपोर्ट उस कंट्रोल रूम में दर्ज नहीं हुई है, जबकि दो बार तो हमने डेमो करके दिखाया है और हमने बटन दबाए हैं, लेकिन बटन काम नहीं करते हैं, ना डीटीसी बसों में करते हैं, ना क्लस्टर बसों में करते हैं, ना दिल्ली की 112,000 टैक्सियों पे करते हैं। जिस बात को हम बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल तुम भ्रष्टाचार के मुखिया हो, तुम्हारी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता है, तुम्हारी सहमति से भ्रष्टाचार होता है, वो इस जांच में सही पाया गया है।